फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज है 26 सितंबर और आज हम लोग एच सी आठवीं की पांचवी सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए फटाफट देर के शुरू करेंगे हमारी आज की ये सेशन और देखते हैं कि इस सेशन में क्या क्या है हमारे लिए। सबसे पहले ये हमारा डेली शेड्यूल है, प्रत्येक दिन का रूटीन है, इसी रूटीन से हमारे क्लासेस चल रहे हैं। आ जाते हैं सबसे पहला वर्ड पे। सबसे पहला वर्ड है हमारा एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ाना या उत्तेजित करना। ठीक है, क्या होगा? बढ़ाना या उत्तेजित करना। ठीक है, अब सेम वर्ड में आगे बढ़ेंगे, अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगली वर्ड मीनिंग हमारा हो जाएगा, इसी मीनिंग को अगर आगे बढ़ाएंगे तो सिनोनिम्स में हो जाएगा इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ाना। एंटोनिम में आएंगे तो पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। ठीक है, पैसिफाई का मतलब क्या होगा? शांत करना। अगली वर्ड मीनिंग में आते हैं बार्टर। बार्टर का मतलब होता है अदला बदली करना। बार्टर का मतलब अदला बदली, इसको बेसिक हिंदी में लिखेंगे तो विनिमय करना। विनिमय करना। सेम मीनिंग में आएंगे तो एक्सचेंज हो जाएगा, है ना। एंटोनिम्स इसका कुछ होता नहीं है, बदलने का उल्टा कोई एंटोनिम्स होता नहीं, तो ये तो खाली रह जाएगा। ठीक है, अगली वर्ड है आपका बेस्टो। बेस्टो का मतलब होता है दान करना। बेस्टो का मतलब दान करना, देना। ठीक है, अब सेम मीनिंग में अगर आएंगे तो डोनेट लिखेंगे। ठीक है, डोनेट का मतलब भी दान देना होता है। उल्टा में आएंगे तो आर ई सी ई आई वी ई, रिसीव मतलब प्राप्त कर लेना, खुद ले लेना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में बढ़ते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है हमारा साइट। साइट का मतलब होता है चर्चा करना। साइट का मतलब चर्चा करना। सेम वर्ड में जाएंगे तो इसको डिस्कस भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको नॉइजलेस लिखेंगे, चर्चा नहीं करना, हल्ला गुल्ला से बंद, शांत रहना। ठीक है, अगली वर्ड मीनिंग में आते हैं डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है आपका प्रतिनिधि। प्रतिनिधि सेम मीनिंग में आएंगे तो रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब भी प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधि होता है रिप्रेजेंटेटिव। और इसके कोई एंटोनिम्स नहीं होते तो एंटोनिम्स इसका देखना नहीं है, ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। बढ़ने के पहले एक बार फिर से देख लो इसको। एग्रावेट का मतलब आपका हो रहा है क्या? बढ़ाना। इंटेंसिफाई इसका सही आंसर हो जाएगा, सही सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स में जाओगे तो आपको पैसिफाई इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। दूसरी मीनिंग है आपका बार्टर। बार्टर का मतलब अदला बदली, इसको विनिमय भी कहते हैं। एक्सचेंज इसका सिनोनिम्स होगा, एंटो इसके कुछ नहीं होंगे। बेस्टो का मतलब देना होता है, दान करना होता है, डोनेट हो जाएगा, उल्टा लेना, रिसीव हो जाएगा। साइट का मतलब चर्चा करना होता है, डिस्कस हो जाएगा। नॉइजलेस मतलब शांत से बैठना हो जाएगा, ये एंटो है। अगली वर्ड मीनिंग है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव इसका सिनोनिम्स होगा, एंटो की कोई गुंजाइश नहीं है इसकी। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं अगली वर्ड मीनिंग में। और अगला वर्ड मीनिंग है हमारा डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब पालतू होता है। डोमेस्टिक का मतलब पालतू। ठीक है, सेम मीनिंग में आएंगे तो टेम लिखेंगे। एंटोनिम्स में अगर लिखना होगा तो आप इसको वाइल्ड लिखोगे। ठीक है, एंटोनिम्स में क्या लिखेंगे? वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब जंगली हो जाएगा, टेम का मतलब पालतू हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग में आते हैं हम लोग फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब भगोड़ा होता है। फ्यूजिटिव का मतलब भगोड़ा। सेम मीनिंग में रिफ्यूजी यूज हो सकता है, आर ई एफ यू जी डबल रिफ्यूजी। एंटोनिम में जाओगे तो सेटलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रैब का मतलब होता है झपटना। ठीक है, और ऐसे ग्रैब है कि गार्व है, गार्व सॉरी
गर्व तो अभी पिछले में डिस्कस हुआ था, गर्व का मतलब पोशाक, इसको आप क्लॉथिंग्स भी कहेंगे, क्लॉथिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। इसी पोशाक को ड्रेस भी कहते हैं, गारमेंट्स भी कहते हैं, गारमेंट्स भी कहते हैं। एंटोनिम्स का कुछ नहीं होगा, तो एंटोनिम्स का जगह आप खाली कर दो। अगला वर्ड है लडेन। लडेन का मतलब होता है लदा हुआ, ठीक है। लडेन का मतलब लदा हुआ। सेम मीनिंग में आओगे तो लिखोगे लोडेड, ठीक है। लोडेड का मतलब लदा हुआ। एंटोनिम में जाओगे तो एम्प्टी लिख देंगे, खाली, ठीक है। अगली वर्ड है आपका ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब आभार, है ना। ऑब्लिगेशन का मतलब आभार। सेम मीनिंग में आ जाएंगे तो हो जाएगा ग्रैटिट्यूड, ठीक है। ग्रैटिट्यूड का मतलब भी आभार है, जी आर ए टी आई टी यू डी, ग्रैटिट्यूड हो जाएगा। आभार का उल्टा कोई चांस नहीं बनता, इसलिए ये आपका गड़बड़ है। आउटसेट का मतलब होता है आरंभ, शुरुआत, ठीक है। तो शुरुआत के लिए क्या करेंगे भाई, बिगिनिंग तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और बिगिनिंग आएगा, इसके साथ साथ क्या आएगा, एंड तो इधर लिख देंगे। तो ये बेसिक सा बात था हमारा, यहाँ तक क्लियर हो गया। डोमेस्टिक, फ्यूजिटिव, गार्व, लडन, ऑब्लिगेशन और आउटसेट में। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला मीनिंग है आपका रिसल्यूट। रिसल्यूट का मतलब होता है दृढ़। रिसल्यूट का मतलब क्या होगा, दृढ़। तो दृढ़ का सेम मीनिंग करेंगे तो डिटरमाइंड होता है, डिटरमाइंड होता है। डिटरमाइंड का मतलब भी होता है दृढ़ संकल्पित, दृढ़ संकल्पित। अब देखो आगे कौन सा बचा है, तो इसका ठीक उल्टा अगर आओगे तो आप फिकल लिख सकते हैं, एफ आई सी के एल ई, फिकल। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक और मीनिंग जो छूट गया है मैं नीचे लिख देता हूँ, रिब्यूक, आर ई बी यू के ई। रिब्यूक का मतलब डांटना, फटकारना होता है। चाइड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, प्रेज इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। इसी तरह डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, तो इसको फाइट भी लिख सकते हैं, क्लैश भी लिख सकते हैं। ये झगड़ा करना होता है, उल्टा अगर आ जाएंगे निपटारा वाला, ठीक है, तो निपटारा को हम पीस भी लिखेंगे, पी ई ए सी, पीस। अगला है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है वार्ता, भाषण। डिस्कोर्स का मतलब क्या है, वार्ता या भाषण। तो वार्ता में डायलॉग हो जाएगा, भाषण में स्पीच हो जाएगा। एंटोनिम्स के तो चांसेस लगते नहीं है कुछ कि एंटोनिम्स इसके हो सके, ठीक है। तो एंटोनिम खाली हो जाएगा। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज को रखना, ठीक है। रिटेन का मतलब रखना, तो कीप तो सबसे पहला वर्ड हो जाएगा इसका। उल्टा बात करोगे तो डिस्कार्ड भी कह सकते हो या फॉरगेट भी कह सकते हो, भूल जाना, हटा देना, ठीक है। सस्टेन का देख लेते हैं। सस्टेन का निर्वाह करना, निर्वाह करना, इसको ना टॉलरेट भी कहते हैं, बर्दाश्त करने के अर्थ में ये यूज होता है। और अगली वर्ड जो आपका आता है वो बर्बाद करने वाला आएगा, तो बर्बाद करने वाला आएगा तो कौन होगा, डीके। डीके मतलब क्षय या खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना, आर ई बी यू के ई होगा, चलो ठीक है। तो डीके मतलब क्षय हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार फिर से देख लो, रिसल्यूट का दृढ़ है, डिटरमाइंड और फिकल, डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा है, फाइट है, क्लैश है ना, डिस्प्यूट भी होता है, पीस इसका एंटो हो जाएगा। रिटेन मतलब रखना होता है, कीप इसका साइनो है, फॉरगेट एंटो है,
उसी तरह सस्टेन है, निर्वाह करना, टोलरेट इसका साइनो होगा, डीके एंटो हो जाएगा। उसके बाद बचा है आपका रिव्यू, डांटना फटकारना, चाइल्ड इसका साइनो है और प्रेज एंटो है। ठीक है, बढ़ चले अब आगे। अब पहला क्वेश्चन आया है, कहता है ऑल्दो दे डिसएग्री ऑन मेनी सब्जेक्ट, कहता है यद्यपि वे बहुत सारे सब्जेक्ट में डिसएग्री हो गए, दे इज अ वेरी लिटिल सीरियस बिटवीन टू फैमिली। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ कि ये दो जो परिवार हैं उनके बीच बस छोटी सी झगड़ा चल गई है, छोटी सी वाद विवाद हो गया। तो छोटा सा वाद विवाद का बात करेंगे तो डिस्कॉर्ड ना आंसर हमारा हो जाएगा। तो आंसर डिस्कॉर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन। नेक्स्ट कहते हैं सिंस सी डज नॉट पे केयरफुल अटेंशन द लिटिल ऑफ व्हाट शी इज टाउट, कहता वो केयरफुल अटेंशन नहीं अदा करती है। ठीक है, और जो कुछ भी उसको दिया गया है, जो कुछ भी पढ़ाया गया है, बस उसी चीज़ को वो दिमाग में रखे रहती है। तो रिटेंस हो जाएगा, रखना कीप वाला वर्ड। द स्पीकर गेव अस एन इंटरेस्टिंग, ये तो सीधा सीधा बात है, भाषण दिया ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ऑकटिक वर्ड्स। ऑकटिक वर्ड के बारे में स्पीकर जो है वो बहुत ही लंबा चौड़ा रोचक टाइप के भाषण दिए। अब बाकी जो बच गया इधर रिटर्न तो कर दिया, तो सस्टेन ही बचेगा क्योंकि ये तो इसी तरीके का होता है, इसलिए इसमें दिक्कत विशेष नहीं है। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आ गया, द ओनली आई विटनेस वॉज ए चाइल्ड, कहता है एकमात्र आई विटनेस कौन था, तो एक बच्चा था। ठीक है, और हाँ, हु वॉज मच टू फ्राइटेंड टू गिव ए अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, कि वो कुछ ऐसा बच्चा था जो क्या किया कि सही अकाउंट बताया, तार्किक अकाउंट, उचित अकाउंट बताया। तो इतने वर्ड है, इसी के एंटोसाइनो का प्रयोग करके आपको यूज कर देना है। तो यहाँ पर तार्किक वाला वर्ड बताएंगे तो इरेशनल है, RATIONAL, रेशनल अकाउंट तार्किक हो जाएगा। अगली वर्ड बढ़ते हैं, द चाइल्ड विल द कंडीशन इफ शी रब्स द रैश ऑन हर, तो चाइल्ड की कंडीशन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अगर उसके आर्म के ऊपरी हिस्से को रब किया जाए तो एग्रावेट होना मतलब बढ़ जाना। तो बढ़ने वाला वर्ड पहला ही वर्ड था हमारा, जरा इरेजर ले लेते हैं। AGGRAVAT। नेक्स्ट वर्ड कहते हैं कि वेन आई गेव द मैन ए राइड, जब मैंने उस व्यक्ति को कहा कि भाई जाओ राइड करो, चीज़ें गाड़ी है इसको चलाओ, आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानता था कि वो क्या है, कि कानून से भागा हुआ व्यक्ति है, भगोड़ा व्यक्ति है। तो भगोड़ा के लिए क्या वर्ड यूज़ करना था, FUGITIVE, फ्यूजिटिव, भगोड़ा, इसको रेफ्यूजी भी हमने लिखवाया था। तो ज़रूरी नहीं है जो वर्ड लिखा है ऊपर वही उसका साइनो या एंटो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। लास्ट ईयर द क्रॉप्स वर पुअर, कहते हैं पिछले साल जो फसल हुई वो बहुत ही बदतर स्थिति की फसल हुई। ठीक है, लास्ट समर द ट्रीज आर विथ फ्रूट, लेकिन पेड़ पौधे जो थे, ठीक है, वो क्या थे, फलों से लदे हुए थे। तो लदा हुआ वर्ड का यूज़ करना है, लडेन हो जाएगा, या लोडेड यूज कर सकते हो, ये आपका करेक्ट होगा। कोता है अंटिल रिसेंटली जॉन सीम्ड एमलेस, नाउ ही इज मेकिंग ए, कोता भी रिसेंटली तक मैंने देखा कि जॉन जो है एकदम एमलेस लग रहा था। ठीक है, लेकिन अभी ना एक इफोर्ट कर लिया, एक बड़ा मेहनत करने वाला काम कर लिया, कि अब प्रयास कर लिया कि हमें अपनी स्टडीज में अच्छा करेंगे। तो ये क्या, एक संकल्प है, और संकल्प के लिए वर्ड क्या पढ़ा था हमने, रिसल्यूट। रिसल्यूट का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। माई अंट नोस्ट माई मदर, मेरी अंट ने मेरी मदर को नोस्ट किया थ्रू अ लॉन्ग इलनेस, जब वो लंबी बीमारी से
जूझ रही थी, तब मेरी माँ मेरी आंट उसकी देखभाल की, ठीक है। आई हैव ऑलवेज फेल्ट सम टूवर्ड्स हर, इस वजह से मैं ना उनके प्रति हमेशा से आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये आभार व्यक्त करने के लिए कौन सा वर्ड लगेगा? तो यहाँ सम ऑब्लिगेशन, आभार हो जाएगा। तो थोड़ी सी हिंदी गेट करना है, ये हमारा आसानी से बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है कि क्या है, सिंस आई हैड लॉस्ट माई ऑल मनी, चूंकि मैंने अपने सारे पैसे खो दिए, आई हैड टू माई वॉच फॉर ए नाइट्स लॉजिंग। अब भाई रात भर ठहरने के लिए हमको ना ये करना था, सेटल करना था कि हिसाब किताब जो है एक घड़ी पर एक्सचेंज करके हम रात भर ठहर जाएं कहीं पर। तो ये एक्सचेंज करने वाली बात आ रही है, और जब बात एक्सचेंज का आता है तो वर्ड कौन सा आता है? वर्ड आता है बार्टर। कहता द प्लेयर्स वर सो इवनली मैच्ड दैट, प्लेयर्स जो है एक दूसरे से इतना इवनली मैच्ड हो गए थे, ठीक है, कि आई कुड सी फ्रॉम द दैट, कि मैं इसको एकदम देख सकता था। कहाँ से भाई? शुरू से, कि स्कोर जो है एकदम बहुत ही क्लोज चल रहा था। शुरू से देखने के लिए क्या आएगा? स्टार्ट, आउटसेट, आउटसेट मतलब आरंभ, ये भी था ना हमारा। अगली वर्ड, ही इंटेंड्स टू ऑल हिज वेल्थ ऑन हिज यंगेस्ट सन, भाई उसने विचार कर लिया कि मेरा जितना धन है, मेरे जितने रुपए हैं, ये मैं यंगेस्ट सन को दे दूंगा, ठीक है। तो देना या दान करना, दान करने वाला वर्ड कौन सा था? तो दान करने वाला वर्ड था हमारा बेस्टो, ठीक है। दान करने वाला वर्ड हमारा कौन सा था? बेस्टो, इधर वाला। नेक्स्ट वर्ड चलते, कहता है द फ्यूजिटिव मैनेज टू एस्केप अक्रॉस द बॉर्डर, ये भगोड़ा व्यक्ति क्या किया? बॉर्डर पार करने में सफल रहा, ठीक है। इन द ऑफ ए प्रिस्ट, क्या भाई? तो एक प्रिस्ट के वेशभूषा में, एक प्रिस्ट की पोशाक में, तक पुजारी का पोशाक में, पोशाक के लिए क्या हमने यूज किया था? गार्ब, जी ए आर बी। We appoint you as our, आपको हम लोग आपको इस रूप में अपॉइंट करते हैं। तो भाई कोई पद के रूप में, कोई प्रतिनिधि के रूप में ऐसा ही ना अपॉइंट करेंगे। और प्रतिनिधि के लिए वर्ड हमारा क्या था? एक तो रिप्रेजेंट, क्या था हमारा? रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, प्रतिनिधि। और दिया हुआ वर्ड में प्रतिनिधि कौन था हमारा? तो दिया हुआ वर्ड में हमारा प्रतिनिधि के लिए वर्ड आया था डेलीगेट, ठीक है। कौन सा वर्ड आया था? डेलीगेट, डी ई एल ई जी ए टी, डेलीगेट का मतलब प्रतिनिधि। अगली वर्ड है हाउ सम ऑफ आवर एनिमल्स बिकेम मैन्स हेल्पर, कैसे हमारे कुछ जानवर जो है ये मैन्स के हेल्पर बन गए, व्यक्ति के हेल्पर बन गए। तो कौन सा जानवर हेल्पर बन गया भाई? तो जो डोमेस्टिक जानवर था, अभी अभी हमने पढ़ा भी है इसको, डोमेस्टिक को यहाँ दिया हुआ भी है ना, डोमेस्टिक। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, कहता है द टीचर आस्क्ड मी टू, टीचर ने मुझसे पूछा क्या करने के लिए भाई, कि कुछ एग्जाम्पल रखो। तो एग्जाम्पल प्रस्तुत करना, एग्जाम्पल रखना, इसके लिए वर्ड हमने यूज किया था साइट। क्या यूज किया था? साइट, साइट का मतलब उदाहरण के तौर पर चीजों को रखना। अगली वर्ड है द चाइल्ड इज सो सेंसिटिव दैट शी ब्रस्ट इन टू टीयर व्हेन द टीचर हर, कल बच्चा इतना संवेदनशील था कि जैसे ही टीचर ने उसे डांट फटकार लगाई, बच्चा रो पड़ा, ठीक है। तो डांट फटकार के लिए वर्ड यूज करना है, और वर्ड कौन सा हो जाएगा डांट फटकार का? रिब्यूक, रिब्यूक वुड बी बेस्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ये आ गया है रेशनल डिस्कोर्स, ये कहता है यूजिंग देम द सेम मीनिंग एज बी एंड सी राइट ईच पेयर ऑफ वर्ड, अच्छा सबका वर्ड लिखना है, ठीक है, वर्ड लिखना है।
ये खुद से करो, ये कोई बड़ा बात नहीं है। वर्ड मीनिंग का सिनोनिम लिखना है या एंटोनिम लिखना है वो तो पीछे लिस्ट से देखो, उतार दो सिंपल है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, चल तो चलिए ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड थैंक यू।